आज हम ये सतबड़ी के एरिया में आए हैं जहाँ पे 1100 पेड़ कटे हैं, एक रिज के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में जब हम हीट वेव के बाद अभी निकले हैं, दिल्ली में जब इतनी पोल्यूशन की समस्या है, तो दिल्ली के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स में अगर इलीगली पेड़ काटे जाएंगे और हाईएस्ट अथॉरिटीज द्वारा सैंक्शन होगी, तो फिर दिल्ली वालों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा। मैं 12 तारीख को सुनवाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला, आप लोग अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, अगर किसी ने भी परमिशन दी है, इलीगली दी है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, सीजीआई से रिक्वेस्ट की, अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा है कि जो डेली सर्विस वाला मामला है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए पूरी लिस्ट किया जाए। ये कितना अहम है, इस पर सुनवाई होना जल्दी? देखिए, ये दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मैटर है, ये ना सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए अहम है, ये देश में लोकतंत्र के लिए अहम है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, संविधान ने हमारे देश में जनता को ताकत दी है सरकार चुनने के लिए। तो अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनी जाती है, तो वो किसी एक मंत्रिमंडल या किसी विधायक की ताकत नहीं छीनी जा रही है, वो जनता की ताकत छीनी जा रही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जनता के जनादेश की रक्षा करनी है, तो दिल्ली के सर्विसेज कानून पर GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे हेयरिंग होनी जरूरी है। सर, जी सवाल।